guys, welcome back to the channel. And this is the vlog where if you know me from Instagram, ki main Nepal mein stuck tha from last more than 2.5 months. So what happened was main do dhai mahina pehle around March 19 ko, I guess, मैं नेपाल गया था, वहाँ मेरी दी रहती है. सो आई वेंट देयर टू मीट विद माय फ्रेंड्स. और एक दो दिन के लिए मैं गया था. अभी लॉकडाउन वॉकडाउन का कोई सीन नहीं था इंडिया में. और इंडिया में करीब 100 के करीब केस थे. सो आई वेंट देयर. जिस दिन जैसे ही मैं वहाँ पे गया, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देयर वाज कंप्लीट लॉकडाउन इन इंडिया. एंड उसके नेक्स्ट डे देयर वाज कंप्लीट लॉकडाउन इन नेपाल, जहाँ पे मैं रहता था. सो आई वाज स्टक देयर. सो आई वाज होपिंग कि अब March 31 के बाद से लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा. बट नथिंग हैपन लाइक दैट. फिर आई वॉज होपिंग कि चलो मार्च नहीं, अप्रैल 14 के बाद आई गेस खुल जाएगा. नथिंग हैपन इन दैट टू. फिर मैं वहाँ पर चलो चलो मार्च 3 के बाद खुल जाएगा, वो भी नहीं होने वाला. फिर मार्च 17 तक वेट किया लॉकडाउन 4 का, वो भी नहीं खुलने वाला. सो एट लास्ट आई वॉज लाइक होपलेस कि अब कोई चारा उपरा मेरे को दिखने का. सो आई वेंट टू द इंडियन एम्बेसी जो वीरगंज के नेपाल में है. सो आई वेंट देयर, आई टॉक टू देम. सबसे पहले तो वो मेरे को घूमगा समझ, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट आउटसाइड. सो मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा था. तो मैं जिसके साथ गया था, उन्होंने फिर वो इंडियन एम्बेसी वालों ने पूछा कि आप बोल सकते हो. आई वॉज लाइक हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ. देन दे आस्क्ड मी हाउ मच फ्रॉम हाउ मच मंथ आई वॉज स्टक देयर एंड कितना मिनिमम टाइम तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ. सो आई वॉज लाइक कि मैं एक हफ्ते तक वहाँ पे और वेट कर सकता हूँ. सो दे वर लाइक कि ओके. आफ्टर दैट देयर वाज अनदर साइड बॉर्डर, वो उसका लोकेशन के बोले वहाँ पे जाके आपको 10 AM रिपोर्ट करना होगा. एंड अभी रस से अभी मत जाना, बाद में जाना. बट आफ्टर लिसनिंग दैट आई वॉज लाइक क्यूरियस कि मैं वहाँ पे जाकर चेक करूँ एक बार कि कैसे काम होता है. सो आई वेंट देयर अराउंड वेडनेसडे या 2 जून था. सो आई वेंट देयर. एंड वहाँ पे जाने का सीन बहुत ही गजब की स्टोरी वहाँ की. सो रात तक 2 जून के रात तक जब जिस मेरे को जाना था, कंफर्म नहीं था कि मैं वहाँ पे जाने वाला और मैं वहाँ से आने वाला. सो मैं बस रैंडम से सामान सारे पैक कर लिए और जो है वहाँ पे चेकअप करने, चेक करने कैसे काम होता है वहाँ पे, कैसा प्रोसेस है. फिर जब बाद में रस खत्म हो जाएगा तब आ जाऊँगा. सो आई वेंट एंड वहाँ पे जाने के बाद से वहाँ पे बॉर्डर पे गया मैं. बॉर्डर पे पहुँचने के बाद आई टॉक टू देम एंड दे वर लाइक यहाँ से अभी 4 किलोमीटर दूर एक अलग से स्कूल में जाना है. वहाँ पे सारे जन को रखे हुए इंडिया के एंड वहाँ पे पास बन रहा है. एंड वो पास के बाद से जब नंबर आएगा आपका तब आपको पास तब आपको बॉर्डर पास करने मिलेगा. एंड सो वहाँ से मैं बात करके बॉर्डर से जैसे वापस आया, वो लाइक कि मेरे जिस बाइक से गया था मैं, वो बाइक का टायर पंचर हो चुका है. वो लाइक वाह, भगवान बोल रहे हैं इशारा दे रहे हैं कि मत जाओ तुम वापस घर चले जाओ, नेपाल में ही रहो, जी के घर रहो. बट फिर वहाँ पे देखा, फिर आसपास मैंने देखा कि यहाँ पे कौन सा टायर रिपेयर स्टोर्स हैं. तो आसपास एक तो टायर रिपेयर स्टोर्स में हम लोग वहाँ पे गए, फिर टायर ठीक कराया अपनी. एंड देन वो टायर पंच जो भी मैकेनिक्स थे वो बोले कि आप अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा लो, बिकॉज वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ स्कूल में आप जा रहे हो पास लेने, वो गांव टाइप का बहुत एरिया उधर नहीं मिलने वाला कुछ भी. सो बगल का एक शॉप था, उन्होंने वो बताया. वहाँ पे जाके मैंने फोटो कॉपी कराने के लिए जैसे आधार कार्ड मांगा, वो अब वो सर्चिंग आधार कार्ड एट एवरी प्लेस ऑफ माई पॉकेट बैग पैक. घर पे कॉल करके पूछ लिया आधार कार्ड मैं छोड़ के नहीं निकला हूँ ना, लाइक नहीं तुम आधार कार्ड साथ लेके गए. सो वॉज लाइक मैड, आई वॉज काइंड ऑफ इमोशनल गई. तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था एंड ढूंढ रहा था आधार कार्ड. अराउंड 15-20 मिनट आधार कार्ड ढूंढने के बाद मैं जहाँ पे बाइक हमारा पंचर हुआ था टायर उसका बॉर्डर के पास, वहाँ पे मेरे को आधार कार्ड मिलता. सो मेरे ध्यान में जाना है कि चलो आधार कार्ड मिला. सो आई वेंट देयर. आफ्टर आधार कार्ड मिलने के बाद से फिर फोटो कॉपी कराई, फिर स्कूल गया. फिर वहाँ पे क्या वहाँ पे गजब की रस थी, बहुत ज़्यादा रस थी. सो आई टॉक टू एन वन ऑफ द ऑफिस एंड देयर लाइक ये लोग 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए, तुम आधा घंटा करीब या 1 घंटा वेट नहीं कर सकता. वजह कि मैं 1 घंटा आराम से वेट कर सकता. अब फिर मैं साइड में जाके खड़ा हो गया एंड वीडियो रिकॉर्ड करने लगा. एंड करीब 1 घंटे के बाद से फिर से वो ऑफिस से बात किया मैंने, तो बोला कि जाना है तुम्हें. मैं बोला हाँ मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स होने वाले ऑनलाइन, तो मैं घर से आराम से दे दूँगा. फिर इधर नेट का और सबका इशू होता है. सो दे आर लाइक ओके. फिर वो लोग ने पास पे सिग्नेचर किया एंड वो पास पे सिग्नेचर करके बोला कि बॉर्डर पे चले जाओ. वो लोग कार से बॉर्डर बाइक वो लोग बस से बॉर्डर पे छोड़ रहे थे. देन आई आस्क देम कि क्या मैं अपने ओन ट्रांसपोर्ट से जा सकता हूँ, बिकॉज आई डू हैव दैट.
एट दैट टाइम तो वो लोग ने बोला कि हाँ जा सकते हो, फिर टेक द पास एंड वेंट टू दैट बॉर्डर वाला प्लेस। देयर वर आई मीट फोर पीपल जो लोग पटना के आसपास के थे, जो थोड़े अच्छे कैटेगरी के लोग दिख रहे थे जितने भी वहाँ पे लेबरर थे उससे ज्यादा। सो आई टॉक टू वन ऑफ देम एंड देयर लाइक, उनमें से एक मेडिकल के थे एंड देयर लाइक कि हाँ मैं पटना जा रहा हूँ। सो मैं नेपाल का ये बॉर्डर जो अभी आप देख रहे होंगे, नेपाल का वो बॉर्डर से वो लोग ने बस पे चढ़ाया और हाफ ऑफ द बॉर्डर के इंडियन एम्बेसी के पास जाके छोड़ दिया, इंडियन एम्बेसी के पास छोड़ दिया। फिर वहाँ से बहुत लंबी क्यू की लाइन थी, ये लंबी सी लाइन थी, वहाँ पे लिखा हुआ था बैनर वेलकम इन इंडिया। सो वहाँ से बहुत लंबी लाइन थी, उतना लंबा हम लोग को लगने का नहीं था। सो आई टॉक टू वन ऑफ द ऑफिसर, जो भी पुलिस वाले ऑफिसर थे आर्मी ऑफिसर से, कि हम लोग की गाड़ी आगे लगी हुई है, कैन वी गो डायरेक्टली टू द विदाउट डर फॉलोइंग द लाइन है ना। सो वो लोग ने पूछा देखा, फिर उसका बोला ठीक है तुम पास करो। फिर वहाँ से एक लाइन पास हुआ, फिर वो टेस्टिंग का स्क्रीनिंग का वो भी अलग से लाइन लगा हुआ था। सो फिर सेम प्रोसेस हम लोगों ने अपना की, एक ऑफिसर को बोला कि हम लोग की ट्रांसपोर्ट आगे लगी हुई है, कैन वी स्किप द लाइन। सो वो लोग ने बोला ठीक है। सो थोड़ा स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग फिर स्क्रीनिंग ग्रीन सिग्नल आ गया, देन दे वर लाइक कि आधार कार्ड के साथ पकड़ के फोटो आगे पीछे फोटो लिया, फिर अपने डेटाबेस कंप्यूटर में डाला जहाँ डालना था, एंड देन वी वेंट टू दैट, वी पास आउट द बॉर्डर, वी क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड वी एंटर्ड इन इंडिया। सो उसके बाद से वहाँ पे क्या सीन था कि वहाँ आसपास कोई टैक्सी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, बिकॉज वो बॉर्डर के पास वो लोग कोई भी टैक्सी और कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट को आने नहीं दे रहे थे। सो वहाँ से एक ही रूट था जाने का, वो लोग बस दे रहे थे मोतिहारी का, जट इज ए प्लेस इन बिहार, कि वहाँ पे आप चले जाओ एंड देन वहाँ से आपको जहाँ जाने का है फिर चले जाना। सो वी टिक सो आई टुक ए बस देयर फ्रॉम, वहाँ से मैं मोतिहारी चला गया। सो आफ्टर रीचिंग मोतिहारी मैं वहाँ से मेरे भैया का घर है वहाँ पे 2-3 घंटे वेट किया, फिर वहाँ से मेरे घर के पड़ोसी का आ रहे थे मोतिहारी से अपनी कार से, सो दे पिक अप मी एंड आई वेंट टू, आई रीच द होम। सो आफ्टर आई कम बैक टू द होम, मैंने अपने सारे टेक गैजेट्स, हर एक सामान को जो भी बैग में था, हर एक चीज़ को आई हैव टू सैनिटाइज इट। सो मैंने हर एक लैपटॉप फ़ोन एवरीथिंग आई हैव टू सैनिटाइज, एंड देन सारे चीज़ सैनिटाइज करने के बाद आई हैव टू कट अ वेलकम केक जो मेरी बहन ने बनाया हुआ था। सो मैंने वो केक कट किया अपनी मम्मा के साथ, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई क्रॉस बॉर्डर ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर मेरा आधार कार्ड नहीं मिला रहता तो आई वॉज देयर अराउंड 4-6 मंथ, जब तक मेन बॉर्डर नहीं खुलता तब तक मैं आ नहीं सकता था इंडिया वापस फॉर श्योर। एंड अगर वो लाइन स्किप नहीं होता तो मेरे को क्या पता कब तक लाइन में लग के आना पड़ता, कोई गारंटी नहीं था उसकी, बिकॉज लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा था, अराउंड 100 से ऊपर लोग लाइन में लगे हुए थे। सो दीज आर आई वाज सो लकी एट दैट डे कि मेरे को ये सारी चीज़ हो गया ठीक ठाक से एंड मैं रात तक घर पहुंच गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग विद द ब्लॉग। सो दैट्स इट ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल होप टू सी यू सून, बाय बाय।